एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। आज है वीकेंड और मैं एक्चुअली अभी एक वीडियो शूट कर रही हूँ, फर्स्ट ट्राई के साथ कोलैबोरेशन का वीडियो है। सो आई थॉट कि चलो वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। मैंने बताओ दो तीन ब्लॉग के रॉ कंटेंट रखे हुए हैं, बट मैंने अभी तक शूट मतलब एडिट नहीं किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है बोल सकते हैं आप। बट अभी मैं आज से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा फ्रीक्वेंट होंगी वीडियोस लाने के लिए, ब्लॉग्स अब लाऊंगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारा काम कर रही हूँ ना घर का, तो अब मैं ब्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मैं ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, तब मुझे वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि वो एक लेज़ी जोन में चली गई थी मैं, जहाँ मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही थी तो ये काम भी नहीं हो रहा था। बट अब चूँकि मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है अब ये भी रूटीन में आ जाएगा मेरा डेली का जो यूट्यूब का काम है ये भी, और मैं शायद अच्छे से कर पाऊँगी। नो डाउट थकावट होगी सारी चीज़ें करने में, बट स्टिल वो पूरा एक्टिव मोड में रहूँगी ना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो आज है संडे एंड आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लाइक पूड़ी, खीर, सब्जी, सैलड सब मैंने सुबह बना के मतलब 11 बजे के पहले ही बना लिया था। एंड ब्रेकफास्ट में आज हस्बैंड ने मैगी बनाई थी तो ब्रेकफास्ट वो किया, और लंच पूरा प्रिपेयर करके मैंने रख दिया है। 1 बज रही हैं, 2 बजे तक के खाएंगे हम लोग, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सामान है, ये देखिए, ये इतना पूरा ड्रेसेस है, फिर वहाँ थोड़ा, फिर वहाँ देखेंगे आप तो थोड़ा सामान और है, बेबी हक के प्रोडक्ट्स का रिव्यू बोल सकते हैं आप, वो है। सो एक्चुअली फर्स्ट ट्राई को चाहिए था छोटे बच्चों के कपड़ों का वीडियो, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि वैसे भी राम की अब मतलब आउटग्रो हो रही है उसकी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने अभी तक के सिर्फ वो जो हो जब होने वाला था तो जो न्यूबॉर्न वाली शॉपिंग की थी ना, मतलब जब वो हुआ नहीं था उसके पहले वही शॉपिंग करी हुई थी उसके लिए, उसके बाद उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे, तो अब बस आउटग्रो हो गया है, सारे जो कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट छोटे हो गए हैं, तो उसके लिए लेना ही था कपड़े, तो मैंने इसलिए राम के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। आप इस हॉल में वो सारे कपड़े देखेंगे, काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। सो हो सकता है इस व्लॉग के पहले वो वीडियो चला गया हो या फिर बाद में आएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो चलिए अब मैं फटाक से पहले हॉल शूट कर लेती हूँ, फिर हम बातें करते हैं। सो वीडियो शूट हो गया मेरा, मैं आई हूँ खाना खाने के लिए, लंच के लिए। दिखाती हूँ मैंने आज क्या बनाया, वीकेंड था तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, दिखाती हूँ। सो फुल देसी खाना बना है, पहले है ये आलू की तरीदार सब्जी जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनकी विश से बनी है ये सब्जी। देन बना है खीर, ये भी उनको खाना था इसलिए बना है। देन सैलड, पूड़ी बनी थी तो पूड़ी की मैंने सिर्फ ये एक पूड़ी अपने लिए बचा के रखी है, सो ये रही मेरी पूड़ी। एंड इसमें है राइस। सो ये है मेरी थाली, सैलड, पूड़ी, सब्जी, राइस एंड खीर। तो खाना खाने के बाद में मैं थोड़ा सा सोने आ गई थी, बट सोए ही नहीं मैं, हम लोग बस बात ही करते रहे। एंड यहाँ पर ये छोटू बेबी मेरी गोदी में सो रहा है, अभी इसको गोदी वाली हैबिट हो गई है, पहले वो आराम से, खैर अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे लेटे सो जाता है, बट अब क्या चिढ़ने लगता है अगर से इसको सोना है और गोदी में नहीं ले रहे हैं तो, इसलिए मैं अभी गोदी में लेके बैठी हुई हूँ, नीचे रखूँगी वैसे ही उठ जाएगा। और दिन की नींद इसकी बहुत छोटी वाली जो नींद होती है ना, ऐसे चुटकियों में जो खुल जाती है वैसी नींद होती है, तो अभी इसकी वही वाली नींद चल रही है। शाम हो गई है, बहुत अच्छा मौसम है, बट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि इसका फर्स्ट रेनी डेज है, तो मुझे बहुत डर लगता है बाहर जाने में। टिपटिन तो डेली नीचे खेलने जाती है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन नहीं जाती, अदरवाइज वो डेली जाती है, तो उसको तो बहुत मज़ा आता है यहाँ खेलने में, वो बाहर जाने का बोलती ही नहीं है कि मुझे घूमने जाना है, उसको ये है कि मुझे यहीं सोसाइटी में खेलना है। बट मैं जिसको बहुत घूमने की आदत थी वो अभी कहीं जा ही नहीं पा रही है घूमने के लिए, आज ही बोल रहे थे कि बाहर चलते हैं कुछ खाने, मैंने कहा यार अभी दिन में ही इतना हैवी बनाया खाया, अब मैं रात में बाहर नहीं खाऊँगी, अब नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। वो शिंदे डेयरी जाने का सोच रहे थे, वहाँ का खाना एक्चुअली थोड़ा क्लीन लगता है, ऐसे मतलब बहुत जंक फूड टाइप नहीं लगता, अच्छा लगता है ओवरऑल, सो वहाँ का सोच रहे थे, बट अब आज नहीं, अब नेक्स्ट वीकेंड जाएंगे वहाँ पर। सो बस ये था। और आजकल पता थोड़ा भी वॉक करती हूँ ना, मेरे पाँव में इतना दर्द होने लग जाता है, तो मैंने अभी वॉक 2-4 दिन किया था, अभी फिर वापस से थोड़ा मैंने पॉज लगा दिया है, क्योंकि मेरा घर का ही काम इतना हो जाता है कि मैं अभी प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ अपने आप को, वैसे ही बहुत जल्दी घर का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। क्या बहुत से लोग तो इससे भी जल्दी कर देते हैं, एंड बहुत से लोगों को बहुत सारा आराम मिलता है, अपने अपने लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा जैसे अब मेरे को घर का सारा काम देखना ही पड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी वॉक थोड़ा रुकती हूँ 1-2 महीने और फिर वॉक पे, क्योंकि पहले क्या मैं 1 गो में 6,000 स्टेप्स कर लेती थी, बट अभी क्या है मैं 2,000 भी होते हैं ना तब तक के मेरे पाँव में, थाइज़ में, कमर में दर्द चालू हो जाता है,
तो इसलिए मैं अभी वॉक वगैरह नहीं कर रही हूँ, बस अभी इसको लेके बैठी हूँ। वो तो अब थोड़ी देर से लेटाऊंगी, फिर देखती हूँ हस्बैंड भी फ्री हो जाए, थोड़ा काम कर रहे हैं वो, फिर थोड़ा नीचे उतरते हैं मौसम, क्योंकि ठीक ठाक है, बारिश नहीं हो रही है। बट इसका लगता है मुझे थोड़ी भी हवा लगे तो अरे कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो और ये और वो, बस ऐसा है। न्यूबॉर्न्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर फर्स्ट वेदर पे, मतलब पहला सीज़न जो भी रहता है ना उस पर। शोर है मेरा छोटा लिटिल सेंटा, लिटिल सेंटा। ये मैंने अमेजोन से ये ड्रेसेस की मंगवाई थी। वाली हूँ राम का 3 मंथ फोटोशूट छोटा सा, तो मैंने ऐसे सोचा है कि मैं थोड़ा सा उसको सिटिंग पोजीशन में रख के क्लिक करूँगी फोटो। तो मैंने पहले रख दिया मेरा ये फीडिंग पिलो, फिर ये मैंने मंगवाया था फर्स्ट क्राई से, इसके ऊपर ही उसके सारे माइलस्टोन वाले पिक्चर्स क्लिक करती हूँ मैं, मुझे वाइट वाइट चाहिए सारा। सो ये है वो, ये बैकग्राउंड रहेगा, बेस रहेगा, इसको मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो ये ऐसे बिछा लिया है, बीच में बिठाऊंगी राम को। ये है मेरा छोटलू पोटलू, मैंने वाइट ड्रेस पहनाई है। मैंने ऐसा सोचा है कि इसके हर मंथ के बर्थडे में इसको सेम यही टाइप का ड्रेस पहनाऊंगी, वाइट टाइप का ड्रेस। सो सब कुछ एकदम सटल सा। एंड ये है माइलस्टोन कार्ड, सो काफ़ी सिंपल रखूंगी मैं, स्टार्टिंग से ही रखा है मैंने इसके सारे मंथ बर्थडे वाली पिक्चर्स। सो इस बार भी यही होगा। अब मैं फटाफट इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ। सो फोटोशूट कराते कराते सर को नींद आ गया था, नींद आ गई थी। सो मैं अभी बस इसको सुला रही हूँ, ऑलमोस्ट नींद में वो आँख खोल के सोया है। एंड मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं वाइट ड्रेस में ही इसके जितने भी मंथली बर्थडेज होंगे ना वो करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। एंड होपफुली इसी तरीके के रोम्पर का, आई थिंक ये वाला इसको 1 महीने और आएगा। फिर मेरे पास इससे बड़े साइज़ का भी है एक, इसकी मौसी लेकर आई थी 2-3 साइज़ में वाइट कलर के, तो वो है मेरे पास, हंस रहा है। देन जैसे ये थोड़ा बड़ा होगा 6 मंथ प्लस, मैं फिर से ऐसे वाइट रोम्पर्स मिल जाएंगे वैसे ढूंढने से, खरीद लूँगी और फिर 1 ईयर तक इसी तरीके की ड्रेस में इसकी मंथली माइलस्टोन्स क्लिक करूँगी।